ओके गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज वापस से हम शुरुआत कर रहे हैं माधव लिंगन क्लासेस के साथ स्टैंडर्ड 10 एंड इसके अंदर स्टैंडर्ड 9 के भी कुछ धातु रूप के क्रियापद आएंगे। तो ये टेबल है जो बहुत ही इजीली आप लर्न कर सकते हो, बस समझना है। अगर आप दो टेबल लर्न कर सकते हो तो साथ में आपको 5 टेबल फ्री हो जाएंगे, तो देखते कैसे होता है। सबसे पहले हम लेंगे आज्ञात का परस्मै पद, तो कुछ इस प्रकार से उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष और जो साइड में होता है दैट इज एकवचन, द्विवचन, बहुवचन। मैं लाइन वाइज बोलूंगा, इसको समझने की कोशिश करें। आज्ञात के अंदर है परस्मै पद, आनी आव आम ही तम त तू ताम अंतु। नाउ आज्ञात का है आत्मेन पद, ए आवहे आमहे स्व इथाम द्वम ताम इताम अंताम। नाउ उसके बाद आपका आता है भूतकाल का, भूतकाल के अंदर परस्मै पद लेते हैं दैट इज अम व म सह तम त त ताम अन। ना भूतकाल का आत्मेन पद है ई वही मही थास इथाम द्वम त इताम अन। इसके बाद है वर्तमान काल परस्मै पद, मी वह मह सी थ थ ती तह अंति। वर्तमान काल आत्मेन पद, ई वहे महे से इथे द्वे ते इते अंते। नाउ यही आप देखेंगे कि वर्तमान काल का जो टेबल है उसको हम भविष्य काल में भी बना सकते हैं। फर्क इतना है कि आपको याद रखना ये जो ऊपर वाली लाइन है यानी उत्तम पुरुष की जो लाइन है वहां पर आपको स्या लगाना है, एंड मध्यम पुरुष एंड अन्य पुरुष की जो लाइन है वहां पर आपको स्या लगा देना है, ठीक है। तो देखते क्या होता है। दूसरा, ये जो टेबल आएगा उसके अंदर खासकर ई ई और ई यहां पर आता है। संधि के हिसाब से अगर हम देखने जाए तो ई का ए बन जाता है, तो अ प्लस ई इज इक्वल टू ए, तो जहां पर स्या है वहां पर से बन जाएगा, यानी ई की जगह से, यहां पर से बाकी एज इट इज रहेगा स्या स्या स्या। तो वर्तमान काल का अब हम बनाएंगे भविष्य काल का टेबल, देखते हैं यहां पर दैट इज भविष्य काल परस्मै पद, स्यामी स्यावह स्यामह स्यसि स्यथ स्यथ स्यति स्यत स्यन्ति। नाउ उसी तरह से से स्यावहे स्यामहे स्यसे स्येथे स्यध्वे स्यते स्येते स्यन्ते। ये भविष्य काल का आत्मन पद था। नाउ उसके बाद है आपके सामने विद्यार्थ परस्मै पद, इयम इव इम ई इतम इत इत इताम इयु। उसके बाद है विद्यार्थ आत्मन पद, इय इवही इमही इथाहा इयाथाम इद्वम इत इयाताम इरम। तो इस तरह से आपके विद्यार्थ के दो टेबल हुए, भविष्य काल के परस्मै पद आत्मन पद के दो टेबल हुए, वर्तमान काल के परस्मै पद आत्मन पद के टेबल हुए, भूतकाल के परस्मै पद आत्मन पद के टेबल हुए। तो इस तरह से बहुत ही इजीली आप आज्ञार्थ है, भूतकाल है, वर्तमान काल है, भविष्य काल है और विद्यार्थ है, उसके टेबल आप इजीली लर्न कर सकते हो। सिर्फ 3 मिनट के अंदर आप 13 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच, आपका दोस्त आपका मित्र।